तो ये बताया था हमने डोनर कंपैटिबिलिटी के बारे में कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है, ये भी अधूरा है। अभी इसमें हम एक और चीज देखते हैं, वो होती है आरएच ग्रुपिंग। तो पहले आरएच ग्रुपिंग समझते हैं, फिर यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो बताया यहाँ पर कि ओ यूनिवर्सल डोनर है, ए भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसका क्राइटेरिया भी थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हम समझते हैं आरएच ग्रुपिंग, ये आरएच ग्रुपिंग क्या होती है। तो आरएच ग्रुपिंग, तो आगे चल के कई बार साइंटिस्टों ने देखा कि जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले को ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दे सकते हैं, लेकिन कई बार इसमें भी ऐसा होता था कि ए वाले को ए वाले का ब्लड दिया और उसकी डेथ हो गई। तो उसके लिए जब और ज्यादा डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एक तरह की और प्रोटीन होती है आरबीसी की सरफेस पर, ये भी प्रेजेंट होती है। तो आरबीसी की सरफेस पर हमने देखा था कि एबीओ की एंटीजन प्रेजेंट थी, इसके साथ साथ एक अलग टाइप की और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और ये होती हैं आरएच, इनको हम बोलते हैं आरएच एंटीजन। और ये आरएच एंटीजन जो होती है ये हर एक आदमी की आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होती है, ये केवल टोटल 80% लोगों में तो ये प्रेजेंट होती है, 80% लोगों की आरबीसी में तो ये प्रेजेंट होगी, लेकिन 20% ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें ये आरबीसी एबसेंट नहीं, एबसेंट होती है। अब एंटीजन के बारे में हो गया, आरएच की एंटीबॉडी, तो आरएच की एंटीबॉडी नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती है, आरएच के लिए कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। अब जब एंटीबॉडी नहीं होती है तो लड़ाई झगड़ा कैसे होता है, क्यों किसी को कंपैटिबल हो जाता है, किसी को इनकंपैटिबल हो जाता है, तो उसका एक रीजन है, हमारी बॉडी जो होती है ये फॉरेन पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करती है, ये होती है हमारी इम्यूनिटी। तो ऐसा ही होता है इसमें कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ब्लड ग्रुप ए को लेके चल रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप ए अब दो टाइप का हो गया, एक ऐसा होगा जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव, और एक ऐसा ब्लड ग्रुप ए होगा जिसमें आरएच एंटीजन एब्सेंट होती है तो ये हो जाता है ए माइनस। और आरएच पॉजिटिव वाले में, मतलब ए पॉजिटिव वाले में आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, और निगेटिव वाले में आरएच एंटीजन नहीं है। अब क्या किया कि ब्लड ग्रुप ए वाले को, ए पॉजिटिव वाले का ब्लड हमने दे दिया ए नेगेटिव वाले को, ए नेगेटिव वाले को ब्लड ग्रुप दे दिया। तो जैसे ही ये ब्लड मिक्स हुआ तो दोनों ब्लड में एक ही डिफरेंस था कि इसमें आरएच एंटीजन थी, आरएच एंटीजन थी, और डोनर की हम हमेशा एंटीजन देखते हैं, डोनर की एंटीजन देखते हैं। तो इस ब्लड ग्रुप वाले का, पॉजिटिव वाले का, जैसे ही हमने नेगेटिव वाले को ब्लड दिया तब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल पहुंच गया नेगेटिव वाले की बॉडी के लिए, आरएच एंटीजन एक फॉरेन मटेरियल हो गया, बाहरी मटेरियल हो गया, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगी ये, आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेगी, आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेगी। तो पहली बार में तो कुछ नहीं हुआ, दे दिया, पहली बार में केवल कितना हुआ कि जो ए नेगेटिव वाला था उसके अंदर आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन किसी कारणवश अगर इसी नेगेटिव वाले को दोबारा पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया तो अब क्या होगा, जैसे ही ये ब्लड इसके अंदर गया, एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, आरएच एंटीजन आरएच एंटीबॉडी दोनों फाइट कर जाएंगी, ब्लड का कॉगुलेशन हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को एक बार तो ब्लड दे सकता है, लेकिन दोबारा जब भी ब्लड देने की कोशिश करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। रीजन, पहली बार जब ब्लड गया तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया और दूसरी बार में वही एंटीबॉडी फाइट करने लगेगी आरएच एंटीजन से और दूसरी बार में क्लंपिंग हो जाएगी। तो
दिस इज इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड एक बार दे सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले में कोई एंटीजन है ही नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो वो चाहे नेगेटिव को ब्लड दे चाहे पॉजिटिव को ब्लड दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेगेटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला जो होता है वो केवल पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है, या एक बार दे सकता है दोबारा नहीं दे सकता है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। यूनिवर्सल डोनर हमने माना था ओ, ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर था। अब ओ ब्लड ग्रुप वाला जब यूनिवर्सल डोनर है तो अब हम देखें ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला क्या ओ नेगेटिव वाले को दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव वाला ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों को दे सकता है। तो अब यूनिवर्सल डोनर हम किसको बोलेंगे? ओ नेगेटिव को। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। तो कई बार ऑप्शंस में दे दिया जाता है ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। और दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखें कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो हम देखते थे कि ए बी वाला जो है ये सबसे ब्लड ले सकता था, लेकिन अगर हम देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर करें तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता है। तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव वाले से ले सकता है। लेकिन अगर ए बी नेगेटिव को देखें तो ये ए बी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या हो गया? ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल जो डोनर है ये हो गया ओ नेगेटिव। अब यहां पर हम एक और छोटा सा पॉइंट समझते हैं कि जो ब्लड की ग्रुपिंग होती है ये डिसाइड कैसे होती है, इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैसा होता है। तो ब्लड की जो ग्रुपिंग होती है ये मल्टीपल एलिलिज्म से कंट्रोल होती है, मतलब दो से ज्यादा। नॉर्मली हम देखते हैं कि ब्लड की किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है और इस जीन के दो एलील होते हैं। जैसे हम 10th क्लास में मेंडल्स के ला पढ़ते थे तो उसमें टॉलनेस के लिए हम कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो एलील यूज करते थे, रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर दो एलील यूज करते थे। लेकिन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए तीन एलील होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब एलील्स का नंबर नॉर्मल से ज्यादा है। तो यहाँ पर तीन तरह के एलील्स होते हैं, आई ए आई बी और आई नॉट, या इसी को हम लिखते हैं स्मॉल आई, आई नॉट लिखते हैं या स्मॉल आई लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और ये आई ए और आई बी इनका दोनों का नेचर होता है कि डोमिनेंट जीन टाइप की तरह होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ये डोमिनेंट एलील है। और आई नॉट और ये क्या है? रिसेसिव एलील है। अब डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील इनसे कैसे ब्लड की ग्रुपिंग डिसाइड होगी? तो उसके लिए हम एक फिर से वही छोटा सा चार्ट बनाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें अगर आई ए जीन है, यहां पर हमने बताया था कि तीन तरह के एलील होते हैं लेकिन तीनों एक साथ नहीं रहेंगे, तीन में से कोई दो ही एक साथ रह सकते हैं। क्यों? होमोलोगस क्रोमोसोम दो ही होते हैं। तो इन तीन एलील में से कोई एक इसमें होगा, कोई एक इसमें होगा, तो दो ही एक साथ रह सकते हैं ना। तो आई ए अगर साथ में है तो ये बनाएंगे ब्लड ग्रुप ए। अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, मतलब आई ए आई ओ है, तो ये क्या बनाएंगे?
एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट करेक्टर ही रिप्रेजेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी में आई बी टाइप का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है या फिर आई बी आई ओ टाइप का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। और ए बी की बात करें तो ए बी में केवल एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, आई ए आई बी, मतलब दोनों डोमिनेंट एलील होंगे। ये अपना प्रभाव दिखा के एंटीजन ए बना लेगा, ये अपना प्रभाव दिखा के एंटीजन बी बना लेगा, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, जब दोनों एलील अपने अपने, एक भी रिसेसिव नहीं है, मतलब कोई नहीं दबेगा, दोनों अपने अपने प्रभाव दिखाते हैं, दोनों अपने अपने इफेक्ट दिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। और ये एग्जाम्पल हो गया कोडोमिनेंस। तो ब्लड में हमने दो चीजें देखी, नॉर्मल से हटके। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड ग्रुप या किसी भी जीन में जो दो एलील होते हैं, दोनों में से एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकते हैं, जो रिसेसिव होंगे उसको दबना पड़ेगा और दूसरे को, दूसरा अपना प्रभाव दिखाएगा, जो अपना प्रभाव दिखाता है वो डोमिनेंट होता है, जो दब जाता है वो रिसेसिव होता है, ठीक। लेकिन यहां पर ए और बी, आई ए और आई बी, ये दोनों एलील हैं कि जब भी ये साथ में होंगे तो अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, कोई दबने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये हो गया कोडोमिनेंस। और दो से ज्यादा एलील होते हैं इसके, तो ये हो गया मल्टीपल एलील। तो मतलब नॉर्मल जेनेटिक्स के ये एक्सेप्शन है जिनको हमें याद रखना पड़ता है। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस दोनों का एग्जाम्पल है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। और ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है तो इसमें दोनों जीन रिसेसिव होंगे, तभी तो कोई एंटीजन नहीं बनेगी, कोई एंटीजन नहीं बनेगी तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो चिल्ड्रंस का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक। मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ऑफ स्प्रिंग्स में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले इसका निकालेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो ए है तो इसमें दो टाइप के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल हैं, आई ए आई ए और आई ए आई ओ, ये दो टाइप के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है मदर का। फादर में एक ही तरह का पॉसिबल है, आई ओ आई ओ। अब इसके बाद हम कंडीशन लेते हैं, इफ मदर एज ऑफ आई ए टाइप, हमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि अगर ये वाला जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है मदर का, तो फादर का तो सिंगल ही है, तो हम क्या करेंगे, एक चेकर बोर्ड बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे मदर के एलील आई ए, एक तरफ लिखेंगे फादर के आई ओ, तो यहां पर सब क्या हो जाएंगे, आई ए आई ओ आई ए आई ओ आई ए आई ओ आई ए आई ओ, और ऑफ स्प्रिंग हो जाएंगे सारे के सारे ये ए ये ए ये ए ये ए। तो इनके चिल्ड्रन में केवल एक ही ब्लड ग्रुप पॉसिबल है और वो ब्लड ग्रुप है ए, पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में इफ मदर इज ऑफ आई ए आई ओ टाइप, तब क्या होगा, फिर हम दूसरा चेकर बोर्ड बनाएंगे, इसमें एक तरफ मदर के जीन आई ए आई ओ, एक तरफ फादर के आई ओ, ये हो जाएगा आई ए आई ओ आई ए आई ओ आई ओ आई ओ आई ओ आई ओ, और ये हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। तो यहां पर दो तरह के ऑफस्प्रिंग पॉसिबल हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले और ओ ब्लड ग्रुप वाले। ओवरऑल हम दोनों कंडीशन में देखें तो हमें ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले ही ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं। तो मदर का ब्लड ग्रुप ए है, चिल्ड्रन का ओ है, तो केवल ए और ओ टाइप के ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक और बात हमें पढ़नी है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिसिस, ये डिसीज है जो रिलेटेड होती है ब्लड ग्रुप से, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिसिस में। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फादर है जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और कोई मदर है जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, किसी भी तरह का पॉजिटिव हो सकता है, किसी भी तरह का नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है तो उस समय क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की फीटस की संभावना होती है। और इफ फर्स्ट बेबी ऑफ इज ऑफ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बेबी का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, इसमें कंडीशन है फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होना चाहिए और मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होनी चाहिए, फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का और मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होनी चाहिए, और इनसे बनने वाला अगर फर्स्ट फीटस जो है ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो गया, नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो गया जिसकी ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि 80% पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट फीटस जो है ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो नॉर्मली क्या होगा, जब तक बेबी अंदर डेवलप कर रहा होता है तो उस समय मदर और फीटस के ब्लड में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, सिर्फ प्लेसेंटल बैरियर जो होते हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी को तो क्रॉस करा सकते हैं लेकिन ब्लड का आपस में डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। बैरियर प्लेसेंटल बैरियर क्या होते हैं, जब भी प्लेसेंटा बनता है तो उसमें कुछ टिश्यू मदर के होते हैं, इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू होगी, कनेक्टिव टिश्यू होगा, फिर यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी, ऐसे ही प्लेसेंटा में फीटस के भी टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू हो गई, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उसके बाद फीटस की ब्लड वेसल्स हो गई, तो ब्लड वेसल्स दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, इनके बीच में इतना टिश्यू प्रेजेंट है और यही कहलाता है प्लेसेंटल बैरियर, और यहां से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ये तो डिफ्यूज करके जा सकते हैं, मदर से फीटस तक डिफ्यूज करके जा सकते हैं, एंटीबॉडी जा सकती है, लेकिन ब्लड के एंटीजन या आरबीसी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं तो मदर और फीटस में ब्लड में कोई कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन जब बेबी जन्म लेता है उस समय क्या होता है कि पार्चुरेशन के टाइम पर ये टिश्यू टूटता है, प्लेसेंटा के टूटने से ही बेबी, टूटने के बाद ही बेबी बाहर आता है, तो प्लेसेंटा जब टूटेगा तो मदर और फीटस के ब्लड में कॉन्टैक्ट होगा और फीटस का जो पॉजिटिव ब्लड है ये कुछ हद तक थोड़ा बहुत मदर के पास चला जाएगा, जब मदर के पास जाएगा तो मदर नेगेटिव है, क्या होगा, मदर में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब मदर में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो गया पहले टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइव चलता है। अब अगर सेकंड प्रेगनेंसी हुई, सेकंड फीटस डेवलप होने लगा और चांसली ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आपको अभी बताया था कि प्लेसेंटल बैरियर से एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकती हैं, तो क्या होगा, मदर के अंदर पहली बार में एंटीबॉडी डेवलप हो गई थी, अब यही एंटीबॉडी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है, तो क्रॉस करके ये कहाँ चली जाएंगी, फीटस में, और फीटस के पास क्या है, एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी फाइट कर जाएंगी और दूसरे बेबी के ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा जिसकी वजह से दूसरा बेबी की डेथ हो जाएगी, दूसरी बेबी की डेथ हो जाएगी, तीसरा बेबी हुआ वो फिर पॉजिटिव हुआ, फिर एंटीबॉडी पहले से है, फिर मतलब एक बच्चा तो नॉर्मल प्रोड्यूस होगा लेकिन उसके बाद के बाकी जो बेबी हैं उनकी डेथ होती रहेगी अगर वो पॉजिटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिसिस की कंडीशन में क्या होती है कि फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होता है, उसके बाद के सारे पॉजिटिव बेबी की डेथ होती रहती है और इस डिसीज को नाम देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। और यहाँ पर इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय मदर और फादर के ब्लड ग्रुपिंग की मैचिंग कराते हैं, और अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो पहले से ही
एंटीआरएच एंटीबॉडी इंजेक्शन देते हैं, कि मतलब जितनी भी एंटीबॉडी मदर में बनी है उसके अगेंस्ट वो काम करेंगी और एंटीबॉडी को खत्म कर देंगी। जब मदर के अंदर कोई एंटीबॉडी बचेगी नहीं तो फीटस पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग।